महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी है। ये घटना जलगांव सेंट्रल मॉल के पास हुई है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले धरस गांव निवासी हेमंत दुधिया शहर के आईनॉक्स थिएटर में द कश्मीर फाइल्स रविवार को देखने गए थे और फिल्म खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान हेमंत के द्वारा सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट के लिए शिवसैनिकों के सामने माफी जाने के बाद शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं हेमंत की पिटाई करने के बाद शिवसेना के जिला प्रमुख गुलाब राव वाघ ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करेगा उसकी पिटाई की जाएगी। आमच्या उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याबद्दल अक्षपारी पोस्ट टाकल्याबद्दल ती पोस्ट टाकली आणि शिवसैनिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि ते पोस्ट टाकून घाबरून तो या ठिकाणी काश्मीर फाईल हा पिक्चर पाहायला आला होता। मग इथे सर्व शिवसैनिकांनी पाळत ठेवून त्याला एक चांगला चोप या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्याचा निषेध केलेला आहे। तो आमच्या धरणगावचाच आहे, त्याला सर्व काही मते या ठिकाणी त्याने माफी मागितली म्हणून माझ्याकडनं पोस्ट चुकीची पोस्ट टाकली गेली त्याबद्दल मी माफी मागतो म्हणून त्या ठिकाणी या ठिकाणी त्यांना सोडून देण्यात आलं।